भारत और कनाडा विवाद के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में अलगाववादी आतंकी गुरुपत वंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। एनआईए द्वारा अमृतसर के खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। बता दें कि खानकोट पन्नू का पैतृक गांव है और ये एग्रीकल्चर लैंड है। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू का घर है। वर्ष 2020 में दोनों को अटैच किया गया था। एनआईए का ये कदम साफ तौर पर कनाडा को संदेश है कि ये नया भारत है जो किसी भी तरह से आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि पन्नू प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। चंद दिन पहले ही पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि कनाडा की धरती सिर्फ खालिस्तानियों के लिए है, खालिस्तानी कनाडा के साथ हर समय खड़े हैं। पन्नू ने अपनी धमकी में दावा किया था कि कनाडा के संविधान के अनुसार कनाडा में हिंदू नहीं रह सकते। अगर हिंदुओं को कनाडा में रहना है तो उन्हें अपना धर्म बदलना होगा। इतना ही नहीं, पन्नू आए दिन कनाडा में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी बातें करता है, हिंदुओं के प्रति घृणा परोसता है। साथ ही अलग अलग देशों में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों में भी पन्नू का हाथ रहा है। भारत सरकार ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में सिख फॉर जस्टिस पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। साथ ही सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को भी बैन कर दिया। इस समय गुरुपत वंत सिंह पन्नू पर पंजाब में 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 3 मामले राजद्रोह के भी शामिल हैं। गुरुपत वंत सिंह पन्नू के अलावा 2021 में मोहाली स्थित एनआईए की स्पेशल अदालत ने आतंकियों की संपत्ति सील करने की प्रक्रिया के तहत अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर या उसके परिवार के सदस्य को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अब एनआईए ने पंजाब के जालंधर स्थित निज्जर के घर पर संपत्ति जब्त करने का नोटिस चिपकाया है। निज्जर के घर पर जो नोटिस चिपकाया गया है वह मोहाली की स्पेशल CBI कम एनआईए कोर्ट से जारी हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि एनआईए ने हरदीप सिंह निज्जर की अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दी है। इस मामले में रिश्तेदार या नजदीकी 11 अक्टूबर को स्पेशल एनआईए कोर्ट मोहाली में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। भारत सरकार के अनुसार निज्जर 1996 में रवि शर्मा नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कनाडा भागा था और एक दशक बाद 25 मई 2007 को निज्जर कनाडाई नागरिक बन गया। निज्जर 2012 में एक जत्थे के साथ पाकिस्तान गया था। यहां उसने हथियारों और IED ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली। इसके बाद फिर कनाडा आ गया और आतंकी मंसूबे पूरे करने के लिए अपने साथियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। कनाडा सरकार ने इस हत्या का आरोप भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर लगाया है, जहां इस मामले को लेकर कनाडा की ओर से एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया गया है। वहीं भारत ने भी एक कनाडाई डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है और कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा भी निलंबित कर दी है।